हेलो फैमिली, आज की जो स्टोरी है ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी हमें भेजी है हमारी फैमिली मेंबर ने और उन्होंने भी होपोनोपोनो की स्टोरी भेजी है। होपोनोपोनो से बहुत सारी हर कंट्रास्ट आप हल कर सकते हो, लेकिन आपको सही मायने में होपोनोपोनो करना आना चाहिए और आप मेरे साथ भी होपोनोपोनो कर सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से किसी सिचुएशन के लिए होपोनोपोनो करना है। बहुत सारे लोग इसका एक फॉर्मेट बताते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये चार चीजें हैं, लेकिन किस भाव से, किस फीलिंग से या उससे पहले कौन सा प्रिपरेशन आपको करना होता है, वो सारी चीजें हम अच्छे से करते हैं वेबिनार में। तो अगर आपको सीखना है आप आ सकते हैं 3 मार्च 2023 के वेबिनार। सिर्फ होपोनोपोनो नहीं, बहुत कुछ है इस वेबिनार में। ये ग्रैंड वेबिनार है और मुझे नहीं पता इस लेवल का वेबिनार मैं दोबारा ले पाऊंगी या नहीं, तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो स्टोरी जो है वो उन्होंने अपनी ऑडियो में भेजी है और ये जो अगर एक चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं सेम टेक्निक से। तो होपोनोपोनो की स्टोरी पहले भी आ चुकी है और होपोनोपोनो की वीडियोस भी मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के हर एरिया को मैजिकल बनाना चाहते हैं तो आ सकते हैं वेबिनार में और मेरी टीम को मैसेज कर दीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है कि कैसे वेबिनार को ज्वाइन करना है। और स्टोरी के लिए हमें अपनी फैमिली मेंबर को कंग्रेचुलेशंस करना है। कंग्रेचुलेशंस वंदनारी फैमिली मेंबर, और एंजॉय द स्टोरी और जो सीख मिले वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। लॉट्स ऑफ लव। हाय दी, आज मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। मेरा नाम शोभा है, मैं फलोदी राजस्थान से बोल रही हूँ। जोधपुर के पास ही है, छोटा सा गाँव है फलोदी, वहाँ से। और मैं आपकी वंडनारी फैमिली की मेंबर भी हूँ, फैमिली मेंबर हूँ आपकी, और मुझे इस बात का बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व है मुझे कि दिन की शुरुआत आपकी वजह से मेरी बहुत ही अच्छी होती है और मैं उसे कंटिन्यू भी करती हूँ पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव रख के। और मैंने जैसा आपको कहा था कि 3-4 दिन हुए मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक शुरू की है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पर गई हुई थी और जब मैं वापस आने वाली थी तब मुझे मेरी सासू माँ का फ़ोन आया कि वो भी वॉक के लिए, पापा जी जैसे कि बीमार है तो उनको थोड़ा गली के बाहर प्लेटफॉर्म तक, हमारे क्या रेलवे स्टेशन पास में ही पड़ता है, तो क्योंकि सुबह के टाइम में कोई गाड़ी नहीं रहती और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, तो वो प्लेटफॉर्म पे उनको सिर्फ एक चक्कर कटवाने के लिए, वॉक के लिए वो लेके जाते हैं। तो उनकी अलमारी की चाबी जो है वो उनके पल्लू के इधर साइड में डाली हुई थी, जो क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे थे और उनका वो पल्लू थोड़ा मिसबैलेंस हो गया, तो वो चाबी पता नहीं वहीं पे कहीं प्लेटफॉर्म पे गिर गई। उन्हें इस बात का ध्यान रहा नहीं और वो वापस घर आ गए, जब क्योंकि पापा जी को बाथरूम जाना था इसलिए, तो वो घर आ गए। और उसके बाद में जब उन्होंने देखा, संभाला अपने आप को, तब नोटिस किया कि चाबी तो है ही नहीं वहाँ पे, चाबी उन्हें मिली नहीं। और फिर उनका फ़ोन आया मुझको कि आप लोग कहाँ हो, तो हम लोग उस वक्त रेलवे स्टेशन क्रॉस करने आ ही रहे थे क्योंकि हम रेलवे स्टेशन के उस तरफ वॉक पे गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो मैंने कहा कि हम लोग रेलवे स्टेशन पर ही हैं, मतलब पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे वॉक करने गए थे और मेरी चाबी पता नहीं अब कहाँ गिरी है, ये मुझे पता नहीं, पर मैं यही, क्योंकि हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही वॉक कर रहे थे, तो प्लीज़ आप लोग उधर देखते हुए आना, अगर वो चाबी, एक सिंगल चाबी है छोटे से छल्ले में लगी हुई, अगर वो आपको मिल जाती है तो बढ़िया है, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने फिर वही किया, मैं और मेरे हस्बैंड ढूंढने गए, मैं बस पूरे टाइम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तुम चाबी जहाँ भी हो, तुम्हें हम ढंग से नहीं रख पाए इसके लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सो प्लीज़ अगर हमें माफ़ कर दो और आप मिल जाओ तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा और सबको बहुत ही खुशी होगी। ये 4-5 बार और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मैं बोलती रही और चलती रही, ढूंढती रही। मेरे हस्बैंड प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे थे और मैं प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ ढूंढ रही थी, जो हमारे रोड साइड है जहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत है उस तरफ की, बाय द वे अगर मिट्टी में कहीं फंस गई हो तो। मुझे नहीं मिली लेकिन मेरे हस्बैंड को वो प्लेटफॉर्म पे ही कोई टाइलें टूटी हुई थी शायद, उनके बीच में फंसी हुई मिल गई। तो इस बात की मम्मी जी और पापा जी दोनों को बहुत खुशी हुई कि तो बहुत ही अच्छा हुआ कि चाबी मिल गई। बाकी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि उससे तो मम्मी जी पापा जी गए, उसकी थोड़ी देर बाद में ही ट्रेन आई थी और काफ़ी पैसेंजर्स उतरे भी थे, तो अगर वो कहीं गिर जाती इधर उधर तो शायद ही मिल पाती। तो लेकिन
वो वहीं अटकी हुई रही उन टाइलों के बीच में, ताकि अगर किसी का पैर लगता तो भी वो आगे जा नहीं पाती, मतलब उस पोजीशन पे वो चाबी पड़ी थी। तो ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। मुझे जब वो चाबी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को चाबी मिल गई थी, वो अलग तरफ ढूंढ रहे थे, मैं अलग तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन मेरा होप नो अपनो जो है वो चालू रहा पूरे टाइम, जब तक वो चाबी नहीं मिली। तो जब उन्होंने कहा कि चाबी मिल गई, मैंने पापा जी और मम्मी जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई आपकी चाबी मिल चुकी है, तो आप लोग चिंता ना करें। वो बहुत ही खुश हुए और ये उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यूनिवर्स को, भगवान को, प्रभु जी को और आपको, सबको थैंक्स कहा कि भाई आपने इतना जो हमें सिखाया है तो आज ऐसे ही सही यूज़ आ पाया, वरना इस भीड़ भरे इलाके में और ख़ास करके प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पैसेंजर्स इतने आते जाते हैं, चाबी मिलना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी मिल गई। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपकी टीचिंग्स की वजह से, आपकी हाई एनर्जी की वजह से शायद थोड़ा हम में भी एनर्जी थोड़ी बहुत उसकी कंच आया है। जो छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी जो आपको मैं बता रही हूँ कि हमें ये चीज़, हमें चाबी मिल चुकी है हमारी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। बाय बाय, वी लव यू।